कि अहंकार को हम सबको छोड़ना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना पड़ेगा। आगे जो 24 का लोकसभा है, अभी से हम लोग को जो जिस सीट पर सांसद जीत सकता है, जहां से सर्वे आता है कि यही सांसद यहां से जीतेंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव का चुनावी परिणाम भी सामने आ गया है। मैं बता दें कि आज का दिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बेहद ही अहम और बेहद ही खास था। कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इसी साल यानी 2023 में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके बाद आज चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के चुनावी परिणाम सामने आ गए, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है। अब इस पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का भी बयान सामने आया है। बीजेपी की जीत पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने, उनकी बहन यानी प्रियंका वाड्रा ने, इन तीन राज्यों में अपनी चुनावी शिकस्त को स्वीकार भी कर लिया है। ऐसे में पप्पू यादव का भी बयान निकलकर सामने आता है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव चार राज्यों में हुए चुनावी परिणामों पर और साथ ही साथ तीन राज्यों में बीजेपी की जीत पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस के लोकल नेतृत्व उन्होंने अहंकार में इस चुनाव को हारा। एक तो भूपेश बघेल जी कॉन्फिडेंस बहुत हो गए और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अहंकार बहुत हो गया। तो आगे भी बना लीजिएगा, जहाँ पर कांग्रेस पूर्णतः कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव लड़ा नीचे से स्तर तक, वहाँ पर चुनाव जीत गए। राजस्थान में यदि पहले से नहीं होता, मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई होती या पहले से गहलोत साहब और उनके बीच झगड़ा नहीं होता पायलट जी के बीच, तो आपको ये देख लीजिए कितने नज़दीक की बात होगी। छत्तीसगढ़ चुनाव हारने का कोई मतलब ही नहीं था, तो अब इस पर तो समीक्षा होगी ही। मेरा सवाल बहुत क्लियर है कि अहंकार को हम सबको छोड़ना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना पड़ेगा। आगे जो 24 का लोकसभा है, अभी से हम लोग को जो जिस सीट पर सांसद जीत सकता है, जहां से सर्वे आता है कि यही सांसद यहां से जीतेंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाना चाहिए। मोदी की गारंटी जो है वो तीन राज्यों में कामयाब हो गया, इसके लिए कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी की क्या गारंटी? मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दिया, मोदी तो चुनाव ही नहीं प्रचार करने गए। तो आखिर मोदी का चेहरा भाजपा ने रखा था भैया? मोदी जी का तो मध्य प्रदेश में चुनाव भाई भाजपा थी ही नहीं, मोदी जी वो तो दूर रख दिया, उन्होंने तो शिवराज चौहान पर चुनाव लड़ा। कैसी बातें आप कर रहे हैं, यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया पर, वसुंधरा राजे जी पर चुनाव लड़े मोदी, और तो मोदी जी ने पर लड़े ही नहीं। अब देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस जीती और कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ी, ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस, हाँ निश्चित रूप से चुनाव हारा है, तो हारे हैं तो इस पर समीक्षा की जरूरत भी है। और 2024 में अभी से हम लोग को मजबूती से 3 महीने लग जाने होंगे और उसके बाद जो कैंडिडेट जहां, जो पार्टी जहां मजबूत है, उसकी वहां पर कंप्लीट रूप से उसको ले करके उसको उस सीट पर चुनाव लड़ाना चाहिए। अहंकार को खत्म कर देना चाहिए और बिहार में भी अहंकार को खत्म करना जरूरी है। मैं लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट में मत आइए कि 75% आरक्षण या जातीय जनगणना, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। हम सबको इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ना होगा और तभी हम 2024 में शीर्षक दे पाए।